और राम राम जी, कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग के सामने जो है मैं गुड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी जो है यहां पे थंबनेल देखकर आए होंगे, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि डाइट और पीटीसी में जो है वैकेंट सीट जो है जारी कर दिया गया है, और इस वैकेंट सीट में जो है आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो कौन कौन से जो है रिजर्व सीट पे जो है आप दाखिला लेंगे, इसके बारे में जो है टोटल डिटेल्स जो है आपको मैं बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियो जो होगी वह आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले जो है मेरा वीडियो देख पाएंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट का, तो सबसे पहले बात करेंगे हम सीवान डिस्ट्रिक्ट का, उसके बाद जो है हम बात करेंगे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का। टोटल वैकेंट सीट जो है कितने हैं किसमें, तो डाइट में और पीटीईसी में, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस जो है हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात करेंगे आप लोगों से, तो यहाँ जो है ध्यान देंगे थोड़ी सी मेरी बातों को कि देखेंगे यहाँ पे डाइट सिवान और डाइट सिवान, ठीक है। ये डाइट कॉलेज है, डाइट कॉलेज में जो है सीटों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले देखेंगे कि हम डाइट में यानी कि बीसी का सीट जो है कितना है, तो दो सीट बचा है किसमें, तो डाइट में, ओके। डाइट में कितने सीट है, तो दो सीट है, ठीक है, बीसी के लिए। उसी प्रकार जो है एससी कैटेगरी के लिए कितने सीट सिवान में है, डाइट में, तो एक सीट है इसमें, तो डाइट में जो है एक सीट रिजर्व है। अनरिजर्व सीट जो है कितना है, अनरिजर्व सीट जो है कितना है इसको ध्यान देंगे, अनरिजर्व सीट जो है कितना है, तो अनरिजर्व सीट जो है टोटल सीट दिया गया है कितना, तीन, किसमें, तो डाइट में। तो टोटल डाइट में सीटों की संख्या कितने हुए, तीन दो पांच एक छह, यानी कि टोटल सीट जो है कितना है डाइट में, तो छह सीट है। अगर आप बीसी कैटेगरी से अगर हैं, आप बीसी से हैं अगर आप, तो जाकर जो है दो सीटों पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। एससी कैटेगरी से हैं तो एक सीट खाली है, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व सीट कितना है, तो तीन सीट है, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसके, तो अब हम पीटीईसी के बात करेंगे, किससे बात करेंगे रिलेटेड, हम पीटीईसी का बात करेंगे। तो देखेंगे पीटीईसी में जो है एससी कैटेगरी से कितना सीट खाली है, तो इसको ध्यान देंगे कि एससी कैटेगरी से तीन सीट खाली है। कितने सीट एससी कैटेगरी से है, तीन सीट है पीटीईसी में, ठीक है, पीटीईसी में तीन सीट खाली है किसके, एससी कैटेगरी से। और आपका यहां दिया गया है अनरिजर्व सीट कितना है, तो अनरिजर्व सीट जो है कितना है, टोटल चार है किसमें, पीटीईसी में, यानी कि टोटल सीट कितने हो गए यहाँ पे हमारे सिवान में, तो सिवान में टोटल सीट हो गए चार, तीन सात, सात तीन दस, दस दस और तीन तेरह, टोटल सीट की संख्या कितनी हो गई हमारे, तेरह सीट जो है आपका खाली है किसमें, तो सिर्फ सिवान जिला में, ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे किससे, तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से। तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे पहले हम देखेंगे, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से सबसे पहले जो है हम ध्यान देंगे कि थावे जो है पीटीईसी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द, हाँ, डाइट है, थावे में दो सीट खाली है, और थावे गोपालगंज में कितना सीट खाली है, तो दो सीट खाली है। फिर जो है दो सीट जो है एससी कैटेगरी खाली है, और दो सीट जो है, तीन सीट जो है एससी अनरिजर्व सीट खाली है, यानी कि जो है आप यहाँ साफ साफ देखेंगे कि आपका जो है यहाँ डाइट में ही टोटल सीट खाली है। बीसी से जो है कितने सीट खाली है, तो बीसी से दो सीट खाली है किसमें, थावे डाइट में। थावे डाइट में जाइएगा तो दो सीट जो है आपको खाली देखने को मिलेगा। वे थावे गोपालगंज में जो है ईबीसी के कितने सीट खाली है, तो ईबीसी के जो है सीट की संख्या जो है कितनी है, तो ईबीसी की सीट की संख्या जो है दो है, ठीक है। और ये थावे जो है एससी कैटेगरी में सीट की संख्या कितनी है, तो यहाँ भी एससी के कितने सीट है, दो सीट जो है खाली है। और अनरिजर्व सीट कितना टोटल है, तो अनरिजर्व सीट जो है टोटल तीन सीट खाली है किसके, डाइट के। तो आपके लिए जो है डाइट में अच्छा है कि गोपालगंज में, तो तीन दो पांच दो सात दो नौ, टोटल सीट जो है कितनी खाली है गोपालगंज में, तो गोपालगंज में टोटल नौ सीट खाली है। तो जो है आप आसानी से जाकर जो है आवेदन दे सकते हैं, और आवेदन देकर जो है आप लिस्ट में देखेंगे, क्योंकि यह जो है प्रोसेस जो है ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, 20 तारीख तक जो है टोटल कंप्लीट हो जाएगा आपका एडमिशन प्रोसेस। तो इसलिए जो है आप जाकर जो है थावे में ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, सॉरी ऑफलाइन फॉर्म को अप्लाई करके जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो यह इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।